नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त जीतू हरवार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिंपल वे ट्यूटोरियल में। सीखो लेकिन अपनी भाषा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एच लुकअप से रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। एच लुकअप किस तरह से वर्क करता है, एच लुकअप किस तरह से यूज किया जा सकता है, कितने तरह से ये लगाया जा सकता है और क्या क्या वर्क होते हैं इसके, तो एक्सेल में एच लुकअप किस तरह से उपयोग किया जाता है, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एच लुकअप का जो फॉर्मूला होता है उसको लगाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी जानकारी देना चाहता हूँ इसके बारे में। एच लुकअप जो है ओरिजेंटल वैल्यूज़ को उठाता है, इस तरह से वैल्यू उठाता है ओरिजेंटल, हॉरिजेंटल जितनी भी वैल्यू रहेंगी वो उठाएगा, ठीक है। जिस तरह से वी लुकअप क्या काम करता था, वी लुकअप वर्टिकल वैल्यूज़ को उठाता था, और एच लुकअप क्या काम करता है, हॉरिजेंटल वैल्यूज़ को उठाता है। तो आज के सेशन में हम सारे एच लुकअप किस किस तरह से लगाया जा सकता है, दो तीन तरह से लगा के बताऊंगा मैं आज आपको। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये यूज़ किया जाता है। ये जो शीट है यहाँ पे मैंने कुछ रोल नंबर लिए हुए हैं, नाम लिए हुए हैं, मैथ का मार्क्स लिया हुआ है, हिंदी का मार्क्स लिया हुआ है, हमारे पास इंग्लिश का मार्क्स नहीं है, हमें ये वर्टिकली चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास ओरिजेंटल है। अगर वी लुकअप से हम यूज़ करेंगे तो नहीं आ पाएगा क्योंकि ये वर्टिकल नहीं है, ये ओरिजेंटल है। तो यहाँ पे हम एच लुकअप का उपयोग करते हैं ऐसी वैल्यूज़ को यूज़ उठाने के लिए या ऐसी वैल्यू को ले जाने के लिए, एच लुकअप का ही यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से सबसे पहले इक्वल टू लगाइए, जैसे आप एच एल लिखेंगे तो इस तरह से नीचे लिखा हुआ आ जाएगा एच लुकअप। आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके दो बार क्लिक करके एच लुकअप लगा सकते हैं या फिर टैब दबा कर भी एच लुकअप लगा सकते हैं। अब ये कहना चाह रहा है कि लुकअप वैल्यू किस से आप लुकअप लगाना चाहते हैं, किस वैल्यू से आप लुकअप लगाना चाहते हैं, वो वैल्यू इसको शो करनी होगी। तो हम इसको रेफरेंस दे देते हैं और इसको कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कहना चाह रहा है कि टेबल एरे इन द सेंस किस टेबल से आप वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो हम इस टेबल को रेफरेंस दे दिया, सारी टेबल सेलेक्ट कर दी मैंने यहाँ पे, ओके। अब इसको भी हम लॉक कर देते हैं कॉमा से, ठीक है। अब सेकेंड ये क्या कहना चाह रहा है, रो इंडेक्स, यानी इसमें से किस रो में से आप वैल्यू लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट सेकंड, ये हमारे लिए फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग 20 एक्सेल की सीट के अकॉर्डिंग 21 और 22 है, बट इस डेटा के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड है, ये पहले वाला फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सेकंड सेल। अब ये क्या कह रहा है, ट्रू वैल्यू चाहते हैं, फॉल चाहते हैं। ट्रू के लिए हम जो लगाते हैं जीरो लगाते हैं, एग्जैक्ट इसको बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, एकदम फिक्स वैल्यू लाने के लिए आपको जीरो लगाना होता है। ये सेम एच लुकअप में भी लगाते हैं और सेम टू सेम वी लुकअप में भी लगाते हैं, और आप पोस्टक बंद कर देंगे जैसे ही एंटर करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे किशोर के जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो यहाँ पे शो कर देगा। अब किशोर का रोल नंबर क्या है, 902 है लास्ट में, तो यहाँ पे हम देखेंगे 902 कहाँ पे है, ये रहा। इसका जो इंग्लिश का मार्क्स है वो 91 है। अब अगर आप ये फॉर्मूला कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे तो ये वैल्यू हैश एने में देगा। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए अगर F2 करेंगे यहाँ पे तो आपको ये फॉर्मूला बताएगा कि आप कहाँ से उठाएं। पहले तो हमने ये रेफरेंस लिया, सेकेंड ये एरे सेल एरे लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे कि इसमें क्या शो कर रहा है, इसको ठीक करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप चाहें तो इसको यहाँ से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ से नीचे से स्क्रॉल कर सकते हैं, तो ये वाली सेल का वैल्यू सही हो जाएगा, जिस सेल में आप ले अभी वर्क कर रहे हैं पंकज वाली सेल में, तो इसका तो वैल्यू सही हो जाएगा। लेकिन आप फिर से कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे तो इसका वैल्यू सही नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, F2 प्रेस करेंगे और इस फॉर्मूले में जो हमने ये टेबल एरे का लिया था, ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पे जो टेबल एरे लिया था हमने, इसको सिलेक्ट करके F4 दबा दीजिए, तो इससे क्या होगा, ये लॉक हो जाएंगी सेल, ये जो सेल हैं लॉक हो गई हैं। अब इनमें चारों तरफ लॉक हो गई हैं, अब ये ऊपर नीचे नहीं होंगी। ये जिस भी सेल को लॉक करना होता है, यानी ये जो सेल फिक्स होता है उस पर हम F4 प्रेस करके उसको लॉक कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉक करेंगे तो ये सेल अब फिक्स हो गई है, ये जो रेफरेंस आपने दिया है रो एरे का, ये अब ऊपर नीचे नहीं होगा, इनका रेफरेंस चेंज नहीं होगा, ये वही रहेगा। तो इस तरह से आप सेल को फिक्स करके इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको आप
ड्रैग डाउन करेंगे तो ये सही वैल्यू देगा। ठीक है, एक तरीका तो ये था एक्सेल में एच लुकअप यूज़ करने का। दूसरा तरीका मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। दूसरा तरीका जो है, अगर आप चाहें किसी पर्टिकुलर नाम से, किसी भी पर्टिकुलर नाम से आप एच लुकअप का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एच लुकअप का जो फॉर्मूला, ये लिया है हिंदी के नाम से। आप, मैं इसको एक बार आपको लगा के बता देता हूँ। एच लुकअप टैब दबाया मैंने और यहाँ पे मुझे चाहिए हिंदी का, इन्वर्टेड कॉमा ले लूँगा पहले मैंने, इस तरह का दो कॉमा जो ऊपर वाले कॉमा होते हैं इनको ले लूँगा मैं और हिंदी लिखूँगा, फिर से इनको लगाऊँगा और इनको लॉक कर दूँगा। ठीक है, इस तरह से लॉक करूँगा और अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर दिया मैंने, इसको भी लॉक कर दूँगा। अब मुझे हिंदी की क्या वैल्यू चाहिए, हिंदी में से किसके मार्क्स चाहिए। सपोज़ दैट मुझे हिंदी में सीमा के मार्क्स चाहिए, तो सीमा का जो सेल है वो कौन सा रेफरेंस आ रहा है, ऊपर से अगर आप काउंट करेंगे तो ये सीमा का 12वां सेल आ रहा है, तो इसको जगह आपको रेफरेंस देना है 1-2 12वां। ओके, फिर एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए 0 लगाएंगे आप, ट्रू फॉल्स के लिए इसको बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो ये सीमा हिंदी में सीमा के कितने मार्क्स आए हैं ये आपको दिखा देगा। ये देखिए हिंदी में सीमा के 75 मार्क्स आएंगे। तीसरा जो तरीका है, मैं आपको एक और तरीका बता दे रहा हूँ। आप चाहें तो दो सेल में से रेफरेंस लगा सकते हैं। सपोज दैट मैं एक रेफरेंस यहाँ पे ले रहा हूँ, एच लुकअप लगाऊंगा। अब मैं किसी भी लुकअप वैल्यू में ये सेल दे दिया मैंने पहले, इसको लॉक कर देता हूँ और टेबल एरे, अब ये कहना चाह रहा है टेबल एरे, टेबल एरे में मैं टेबल का वैल्यू दे देता हूँ सारा ये वाला। ठीक है, इसको भी लॉक कर देते हैं हम। अब ये क्या कह रहा है, रो इंडेक्स, रो इंडेक्स में मैं ये वाला सेल का रेफरेंस दे देता हूँ और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 लगा देते हैं और फॉर्मूले को क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो इस तरह से वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, हमने यहाँ पे क्या दिया था, सबसे पहले जो वैल्यू दी थी, यहाँ पे हमें किसके नाम की वैल्यू चाहिए। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे किसी की वैल्यू शो कर जाए, यानी कि आप चाहते हैं हिंदी में नीरज के कितने मार्क्स थे, तो मैं यहाँ पे नीरज पी या नीरज के कितने मार्क्स थे, तो मैं यहाँ पे हिंदी लिखूँगा, हिंदी लिखा मैंने यहाँ पे। देन मैंने यहाँ पे सेल का रेफरेंस दूंगा, जो भी सेल है उसका रेफरेंस दूंगा। हिंदी में नीरज के मार्क्स चाहिए तो नीरज 10th सेल में है, तो यहाँ पे मैं 10 अपडेट कर दूंगा, तो ये नीरज के जो मार्क्स है वहाँ पे शो कर देगा। अब यदि आप किशोर के हिंदी के मार्क्स जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे हिंदी लिख के ही रखूँगा, और किशोर के लिए मुझे कौन सी सेल लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेकंड, तो मैं जैसे ही सेकंड डालूँगा तो किशोर के यहाँ मार्क्स शो कर देगा। इस तरह से आप एक्सेल में एच लुकअप का उपयोग कर सकते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूला होता है। इसमें आप जो भी हॉरिजेंटल जो वैल्यूज़ रहती हैं उनको उठाने के लिए, उनका आप किसी डेटा में वर्टिकल शो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजेंटल से हॉरिजेंटल में भी शो कर सकते हैं, वर्टिकल भी शो कर सकते हैं, जिस तरह से आप शो करना चाहते हैं आप शो कर सकते हैं। तो एच लुकअप का जो यूज़ है इस जगह आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।